तो यार अनबॉक्सिंग कर ली, डन। बताना आपको कैसी लगी। और अभी अभी कॉल आई है मुझे कंपनी से, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि यार, नहीं तो यूजली वो 1-2 दिन पहले बताते हैं। बट छोटा कीड़ा ही है, कोई बड़ा कीड़ा नहीं है, तो आपको भी चलो साथ में लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा यार, नाले तो व्लॉग शूट हो जाएगा और साथ में आपको भी दिखा दूंगा कोई नई जगह। तो क्योंकि हम अभी अराउंड 1000 किलोमीटर ही जा रहे हैं, तो आपको भी लेके चलता हूँ साथ में। हाँ जी, तो निकल पड़े हैं अपने सफ़र की और आज हम जा रहे हैं आइडहो। तो आइडहो यूनाइटेड स्टेट्स की एक प्रोविंस है या स्टेट कह लो। तो आज उधर जा रहे हैं, इधर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज मतलब आज रात को सारी रात ड्राइव करेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे और सुबह उधर से लोड उठा के फिर इधर वापसी। तो चलो चलते हैं अभी यार, क्योंकि टाइम पे पता लगा तो रेस्ट वगैरह प्रॉपर की नहीं। बट कोई बात नहीं यार, घर पे ही थे तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो चलते हैं। ये स्टॉप ऑलमोस्ट आपको हर एक ट्रक की वीडियो में देखने को मिलेगा। ये स्टॉप मिस किए बिना नहीं हम जा सकते यार, चाहे जितना भी जल्दी जाना हो। सुबह के हो रहे हैं 2, तो हम भरवा रहे हैं तेल। अभी रुके थे इधर यार तेल भरवाने। लो जी, भरवा के फिर करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। तो चारों तरफ यार अंधेरा ही है, तो कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा अभी तेल भरवाने रुके हैं तो आपको दिखा देता हूँ। अभी तो पड़ा था, मैंने कहा यार रात का सफ़र है, काहे को रिस्क लेना है ना। देख सकते हो, चलो मिरर्स वगैरह साफ कर लेते हैं। तब तक काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गया, दिखाऊँ आपको। ये देखो यार, मच्छर ही मच्छर है। अपने से तो यार पूरा जोर लगा दिया शीशा साफ करने में, बहुत मुश्किल से ही हुआ। तो अभी चलते हैं, अब चाय वाय उठा लिया अपने, तो अभी चलते हैं अपने सफर की ओर। तो सूरज चढ़ चुका है, उसी के साथ हम भी उठ चुके हैं यार। 2 घंटे सो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो 2 घंटे सो के इधर रुक गए। तो आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि इधर के रेस्ट एरिए क्या बात होते हैं। ये जो पीछे आप सारा देख रहे हैं ये रेस्ट एरिया है, और ये सारे इंडिविजुअल रेस्ट एरियाज है। आपको एक में एंटर होके दिखाता हूँ कि कैसा सीन है। पूरा बाहर से है वो सारे, वो हमारा ट्रक पार्कड है। तो उधर भी सारी ट्रक पार्किंग है, इधर भी सारी ट्रक पार्किंग है। मैं बाहर से भी दिखाऊंगा, बट वो फीमेल्स के लिए है 4 वॉशरूम, ये 4 वॉशरूम मेंस के लिए है। तो आपको ये दिखाता हूँ वॉशरूम कैसा दिखता है। लुक एट इट, देख सकते हो आप,
मतलब यार इतना ख्याल रखा जाता है कि जो भी इधर ट्रैवल करता है, स्पेशली मतलब ये नहीं है कि ट्रकों वाले के लिए, सारे इधर गाड़ियां भी रुकती हैं, आप देख सकते हो वो उधर एक कार भी रुकी हुई है छोटी, तो ऐसे इधर सारे रुक जाते हैं। अपना इधर पानी भी भरने के लिए दिया हुआ है, इधर मैप है मोंटाना का, आप देख सकते हो सारा, ये सारी पर्क्स। बहुत थोड़े घर हैं इधर, और मतलब काफ़ी सुनसान जगह पे बना हुआ है, बट फिर भी देख लो टीवी लगाया हुआ है। मतलब यार भरोसा करते हैं अपने लोगों पे, तो हमें भी सीखना चाहिए कि एटलीस्ट यार हम अपने लोगों पे तो भरोसा कर सकें। बट हाँ यार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं कर सकते, है ना, बट हाँ ऐसा इनसे सीखना चाहिए कि एटलीस्ट ट्रस्ट करो, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये मोंटाना स्टेट का फ्लैग लगा हुआ है, इधर अमेरिका का फ्लैग है, ये देख लो गार्डन भी पूरा है कटा हुआ है। ये बाहर किसी ने बैठना है तो अपना, है ना, कोई कैंपिंग करने आया तो इधर रुक जाए, ये सारा बाहर से रेस्ट एरिया है। बहुत खुली जगह है, तो देख सकते हो आप, ये इधर लाइन में ट्रक लगे हुए हैं, सेम ही इधर भी लगते हैं इधर, क्योंकि यार रात को दिन चढ़ गया तो अभी तो सारे काम पे निकल गए हैं। बट देख सकते हो आसपास ये पहाड़ ही है, इधर थोड़े बहुत गहरा बस। कर दिया ट्रक पार्क और पहुंच चुके हैं हम, रनवे का नाम है राइट स्टफ फूड्स, तो इधर चेक इन करवाते हैं और उठाते हैं अपना। उनको यार कॉल ही करनी थी तो कॉल करके उन्होंने मेरे से पिकअप नंबर वगैरह ले लिया, तो अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, बस उधर ना एक बोर्ड लगा हुआ है तो उस पर नंबर दिया हुआ है, तो कॉल करो, वो कहते हैं आपको कॉल करेंगे जब हमारे पास स्टोर अवेलेबल होगा जहाँ आपका लोड अवेलेबल होगा। करते हैं फिर वेट, और क्या कर सकते हैं यार। 5 hours later भाई साहब पूछो ना यार, इन्होंने हद कर दी, ये ट्रक मेरे से पहले खड़ा हुआ है इधर, जब हम सुबह में, मैंने आपको दिखाया था ना जब हम पहुँच गए, तो तब से ये ट्रक खड़ा हुआ, तब से
इन्होंने लोड ही नहीं किया उसको भी, मतलब कंपनी ने इन्होंने रीज़न बताया कि फोक लिफ्ट लिफ्ट ख़राब हो गई। तो यार इतनी बड़ी कंपनी है, फोक लिफ्ट नहीं है क्या, ही बदतमीजी है यार। मतलब कई बार ऐसी कंपनियां भी है जो मतलब जिनको ऐसा ख्याल ही नहीं है कि यार ड्राइवर वेट कर रहा है, सारा दिन हो गया, सुबह 11 बजे के आए हैं इधर, आपको पता है सारी रात चला के आया राइट मैं, तो आज भी कोई लोड नहीं, शाम के 6 बज चुके हैं, कैन यू बिलीव दैट। अभी मुझे ऑलमोस्ट 7 घंटे हो गए हैं और आगे भी पता नहीं, क्योंकि 5 बजे क्लोज़ कर जाते हैं और इनको कॉल ही कर सकते हैं, तो मैंने जब कॉल पे ट्राई किया अभी कोई जवाब ही नहीं। तो अभी आया हूँ, कोई आदमी को ढूंढा है जो इधर कोई काम करता है, ऑफिस तो इनका क्लोज़ है, वो भी पता नहीं बताएगा नहीं बताएगा। वो एक बार तो अंदर गया, कहता मैं अपने सुपरवाइज़र से बात करता हूँ, तो देखो क्या बनता है यार, बहुत बदतमीजी है, बहुत बदतमीजी। और तो यार कुछ मिला नहीं, वेट कर रहे थे तो मैंने कहा काय को वेट करनी, ट्रक ही धुलवा लाते हैं, काफ़ी गंदा हो गया जब से मैं इंडिया से आया हूँ ना, तब से मैंने ट्रक ही नहीं धुलवाया, तो अभी ट्रक धुलवाते हैं और फिर चलते हैं उधर को, शायद वो आज रात को दे दें, बट मुझे लगता नहीं यार, कंपनी लारी लगा रही है तो कल सुबह कोई मिलेगा, तो बाकी देखते हैं। तो वो अभी चेक इन करवाने आ रहा है, अभी ये मुझसे पूछ के ले गया कि क्या धुलवाना, सो हमने ट्रक धुलवाना और हमने बोल दिया इसको। तो बाकी यार इधर ये ना, अगर आप अमेरिका में हो या कोई ट्रक चलाता है तो आपको पता होगा ब्लू बेकन सबसे फेमस ट्रक वॉश है इधर, हर बड़े शहर में आपको 2 से 3 इनकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। और ये तो आई थिंक मैं हूँ ट्विन फॉल्स में, तो ये ट्विन फॉल्स के बिल्कुल पंप के बीच ही है ब्लू बेकन, और ये इनकी खास बात ये भी है कि 24 आवर्स खुले होते हैं यार, और बहुत अच्छे से धोते हैं। बाकी आप हम लाइक ट्रकों वालों को है ना टाइम की बड़ी दिक्कत होती है, तो आप देख सकते हो कितने आदमी लगे हैं सिर्फ ट्रेलर को धोने पे, एक ये पाइप सीधी कर रहा है, 2 अंदर है, एक वो हो गया, एक इधर खड़ा है इसके अंदर, तो मतलब 3-4 आदमी सिर्फ ट्रेलर धोने के लिए 10 मिनट, मतलब मैक्स 10 मिनट, मैंने ज़्यादा कह दिया, इतने भी लगे नहीं, तो धो के चलो जी डन। वो भी आ गया जो पीछे था, तो अभी हमारा ट्रक धोएंगे तो धुलवाते हैं सारा, यार ग्रीस वगैरह वो डीजल का है ना ब्लैक ब्लैक लग जाता, तो वो सारा टैंक्स पे लगा हुआ है, और इसकी जो साइड स्टेप्स आपको ये दिखाऊं काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हैं, ऐसे आपको नहीं पता लगेगा, ऐसे आपको साफ़ ही लगेंगी, बट यार काफ़ी गंदी है, तो धुलवाते हैं। बाकी शीशा वगैरह देख रहे हो आप, ओ देखो जूम करूँ, ये ट्रक बहुत ज़्यादा गंदा हुआ, तो जी कर दिए इन्होंने डोर बंद भी, और अब हमारी बारी आ गई। तो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 जने सिर्फ एक ट्रक को धोते हैं, तो आप देख सकते हो। तो अभी हमारी टर्न आ गई, अंदर जा रहे हैं, तो ये ऊपर भी इतना सारा पानी डालता है, दैट्स रियली अ गुड थिंग यार, मतलब इतने ज़्यादा लोग धोते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है, और बहुत अच्छे से धोते हैं, पता नहीं यार इनके पास क्या केमिकल होता है क्या नहीं, मतलब सब कुछ उतार देते हैं। लो जी वो कैमरे में भी हमारे हैं, तो इधर पे करने आए हैं, तो पे करके चलते हैं। सॉरी इनके प्राइसेस है आप देख सकते हो क्या क्या धुलवाना है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ हमने ट्रक के कितने पे किए हैं जब मेरे को रिसीट मिलती है, तो हमने पे किए हैं 79, 70, $80 यार ऑलमोस्ट। तो हमने ट्रक वॉश करवाया जिसके इन्होंने 50, 250 लिए, फिर रेन एक्स, अंडर कैरिएज एंड इंजन वॉश, तो ये यार करवाना ज़रूरी था सारा कुछ ही, क्योंकि यार इतने टाइम बाद धुलवाया ना, तो यार इतने टाइम बाद ट्रक धुलवाते हैं तो मुझे ऐसा था कि यार सारा साफ़ हो जाए एंड प्रॉपरली, क्योंकि इसके बाद कंपनी में भी ट्रक वॉश है बट यार वो इतना अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो इधर से मुझे ऐसा है कि इधर से धुलवा लो और बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी जल्दी, क्योंकि सारा क्लीन हो जाता, बाकी यार मच्छर मुच्छर तो लगते ही रहते हैं आपको पता है। ये हमारी आँखों के सामने ट्रक को धो रहे हैं, पूरा शीशा गंदा है इनका,
एंड पूरा चमका दिया। तो जी आप पीछे देख सकते हो एंड ट्रक को लिशका रहे हैं पूरा रीजों से। तो बहुत अच्छे से यार ट्रक धोते हैं, इनके पास पता ही नहीं कैसा केमिकल है, सब कुछ उतार देता है। मिन सकते हो एक ट्रक को धोने के लिए कितने आदमी लगते हैं, क्योंकि यार ये आपके टाइम की कदर करते हैं। आपका टाइम सेव हो तो आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप अपना टाइम से पहुँच सकें। क्योंकि यार टाइम की तो दिक्कत है इधर, टाइम इज़ मनी राइट। तो टाइम से पहुँचोगे अपना लोड देगो टाइम, उसके बाद ही आपको दूसरा लोड मिलेगा ना। तो इसीलिए यार ब्लू बेकन इज़ द बेस्ट आई थिंक सो, क्योंकि अमेरिका में यही हैं जिनके पास इतने आदमी इकट्ठे होके मिनटों सेकेंटों में ट्रक को धो देते हैं। नहीं तो और तो काफ़ी ज़्यादा है जो ट्रक को मतलब ट्रक वॉश है इधर, बट मतलब वो यार टाइम लगाते हैं, कहीं नहीं गया आपका एक घंटा एक डेढ़ घंटा इधर मैक्सिमम ही आपको कुछ भी नहीं, मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट और आपका ट्रक पूरा क्लीन हो जाता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 20 मिनट में क्या ही क्लीन होगा, बट आपको दिखाऊँगा एक एक मच्छर का दाग उतर जाएगा। आप देख सकते हो ट्रक को पूरा चमका दिया इन्होंने, हमने ट्रेलर नहीं वॉश करवाया था बट यार ट्रक को तो क्या बात है, इन्होंने चमका दिया ना। होस देख लो कितनी लंबी है कि ट्रक के पूरा ऊपर जाती है। भी दिया 15 मिनट भी नहीं लगे पूरे, मतलब एग्जैक्ट टाइम जब से धोने लगे थे। भाऊ जी एंड पूरा चमक गया, देख सकते हो अब तो जैसे हमारे पिक्के में हम नजर आते हैं इसमें भी आने लग गए हैं। काफी टाइम बाद धुलवाया यार, काफी ज्यादा टाइम बाद। ये भी देख सकते हो ना बिल्कुल नए निकल गए सीढ़ियां। ये मेरा मेन यार यही होता है कि इधर से सारा क्लीन हो, पीछे सारा क्लीन हो है ना, टैंक्स वगैरह प्रॉपरली इनसे जो ग्रीस होती है वो उतर जाए। तो ये मुझे प्रॉपर क्लीन चाहिए, इंजन क्लीन चाहिए, क्योंकि यार जब भी इंस्पेक्शन वाला रोके ऐसा ना कहे कि ट्रक क्लीन नहीं है, ऐसा कहे कि यार कुछ देखने को है ही नहीं, सारा ही ऐसा नया पड़ा हुआ है। तो यार ऐसा नहीं है कि कोई और इधर मतलब वॉश नहीं करता अच्छे से, सारे अच्छे से वॉश करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ टाइम एंड आपको पता टाइम इज़ मनी राइट। तो इन्होंने 15 मिनट लगाए और 15 मिनट में पूरा साफ़ कर दिया। तो मतलब नॉर्मल भी ऐसे ही साफ़ करते हैं बट यार उनके पास लेबर कम होती है राइट, आदमी कम होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है ऑब्वियस बात है। तो इनके पास 6 लोग गए एक ट्रक को धोने के लिए तो कितना ही टाइम लगेगा ना, आप भी मतलब पता है आपको। तो इसीलिए मैं यार इधर मतलब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं इधर सब लेने। तो यार पीछे मौसम कितना ही अच्छा हो रहा है ना, देख सकते हो आप क्या बात है यार, ऐसा ही मौसम चाहिए जब हम बाहर होते हैं। गर्मी अच्छी नहीं लगती, नहीं इंडिया वाली की बात और है बट इधर की गर्मी नहीं अच्छी लगती। नहीं यार इंडिया की गर्मी तो झेल लेते हैं क्योंकि पले बड़े उधर है ना, तो अच्छी लगती है। कंपैरिजन कर सकते हो हमारे मेन्यू में और इधर के मेन्यू में। तो इधर आपको वेज में ऑप्शंस बहुत कम मिलती हैं, एग्स खा सकते हो मतलब वेज तो नहीं है बट हाँ, और इधर एक वेजी पैटी होती है वो भी कईयों के पास होती है सबके पास नहीं, तो इधर नहीं है। तो यही ऑप्शंस है यार ले दे के, हमारे तो जैसे पनीर वगैरह सारा कुछ होता है ना, इधर नहीं है ऐसा। हाँ सॉसेज एंड सब्जियाँ ये आपको भर भर के मिल जाएंगी, ये आप जितनी मर्जी ले लो। तो ये इनका सारा मेन्यू है। Thank you.
फूल देख सकते हैं यार, कितने ही सुंदर लग रहे हैं ना, सारे इधर ऐसे ही लगे हुए हैं। अंदर से भी एक शॉट लिया, उसमें भी आप देख सकते हो अंदर से कितने ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैं बाहर स्पेशल इनको देखने आया। इस मौसम के साथ और इस हवाओं के साथ यार, मतलब थोड़ा ना अच्छा फील होता है। ऐसा मत समझ लेना कि यार कहीं और नहीं, बट हाँ इंडिया में तो यार पले बड़े हैं तो उधर की हवा पानी सब अच्छा है। मतलब मेरे को तो स्पेशली अच्छा लगता क्योंकि मेरे बॉडी के साथ वो फिट बैठता पूरा, क्योंकि यार छोटे होते उधर ही बड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उधर। बट हाँ इसने यार मतलब इंडिया ने है ना बड़ा किया और कनाडा ने काम करना सिखाया है, कमाना सिखाया है, तो इसलिए यार दोनों ही देश मतलब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बाकी यार बुराई तो आदमी में होती है, मतलब इंसान में होती है, तो और सब तो बच भगवान का है, ये कुदरत, ये हवाएं, ये सब कुछ भगवान का है, तो इसकी तो क्या ही बुराई करनी है, राइट। तो आ चुके हैं अपनी जगह पे, आपको थोड़ा सा ये पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, यार मैं एंड ही करना भूल गया इस वीडियो को, तो इस वीडियो का भी करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।